अच्छा दाल मखनी भी आपके पास? दाल मखनी है, मक्खन अमूल का या वेरका का यूज होता है। अच्छा एक दो बार इतनी खाने तो आज हम आ गए हैं जी लुधियाना में आपको दिखाने। यहाँ पर एक सरदार जी है जिन्होंने अपने एक्टिवा के पीछे चलता फिरता ढाबा शुरू कर दिया यार। उनके पास मिलता बहुत ही बढ़िया घर का साफ सुथरा खाना और बहुत ही सफाई से बनाते हैं और काफी पसंद है यार लुधियाना के लोगों को उनका खाना। तो आइए चलते उनके पास, देखते हैं क्या क्या उनके पास खाने को, करेंगे उसकी टेस्टिंग और देंगे आपको एक बढ़िया सा रिव्यू। आज करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। क्या नाम है सरदार जी आपका? सर हरदीप सिंह जी। हरदीप सिंह? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, वाह जी वाह। तो सरदार जी मैं देख रहा हूँ आपने पूरी एक्टिवा के पीछे अपना ढाबा ही लगा लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कैसे, कहाँ से आइडिया आया सर आपको? सर अपना ही दिमाग लगाया था, अपना आइडिया। हाँ जी, वाह जी वाह। तो देखिए जी बहुत ही प्यारा सरदार जी ने एक्टिवा के पीछे पूरा चलता फिरता ढाबा बना दिया है, इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं सरदार जी। वाह। तो क्या क्या होता, क्या क्या सरदार जी आपके पास? सर मेरे पास कड़ी, राजमा जी, दाल मखनी जी, चने। अच्छा। वाइट ते अपना मटर पनीर। वाह जी, हाँ जी। अच्छा पनीर भी होता है आपके पास? हाँ जी, पनीर डेली आइटम शेड्यूल चेंज है डेली उसका। अच्छा डेली चेंज करते रहते हैं। हाँ जी पनीर। वाह यार बहुत ही बढ़िया जी। तो एक बार हमें दिखाएंगे वैरायटी, दिखाएंगे सारी? हाँ जी, एक मिनट आपको दिखाते हैं जी सारी वैरायटी। अच्छा जी सबसे पहले ये क्या हो गया? ये कड़ी है जी। वाह वाह, पकौड़ों वाली कड़ी, बढ़िया से ऊपर से तड़का मारा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ये सब कुछ तैयार भी आप खुद ही करते हो? सारा खुद करते हैं। दीजिए दीजिए। वाह यार, तो यहाँ पे रिफिल भी, अच्छा रिफिल करवा सकते हो? जैसे रिफिल की करवा सकते हो? वाह यार बहुत ही बढ़िया जी। अच्छा इसके आगे ये राजमा जी। वाह जी वाह, ये देखिए जी इनके ग्रेवी वाले राजमा, चित्रा राजमा। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया यार, क्या प्यारी सब्जियाँ और एकदम गर्मा गर्म सब्जियाँ यार। साथ में देखिए सैलड पड़ा है, यहाँ पे अचार पड़ा है, ये दाल है जी। अच्छा दाल मखनी भी आपके पास? दाल मखनी है, मक्खन अमूल का या वेरका का यूज होता है। अच्छा, हां जी, ब्रांडेड मक्खन डालते हो? हां जी, हां जी। वाह जी वाह, अच्छा बहुत ही बढ़िया जी। ये जी चने है जी। अच्छा ये हो गए आपके चने, व्हाइट छोले ट्रिपल डॉलर वाले। वाह, हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये भी अच्छी क्वालिटी के यूज करते हो? हाँ जी हाँ जी, बढ़िया। वाह जी वाह, तो बहुत ही प्यारा है यार, सारी सब्जियां सेटअप लगा हुआ बढ़िया से। अच्छा ये हो गया आपका पनीर, मटर पनीर। वाह यार, इसकी ग्रेवी तो एकदम शाही पनीर जैसी लग रही है। हाँ जी हाँ जी। वाह बहुत ही बढ़िया यार। तो एक बार अपने पुलाव भी दिखा दीजिए, राइस अपने, इनके पास राइस भी स्पेशल रहते हैं जी। वाह जी वाह, बासमती राइस है। अच्छा बासमती राइस सब्जी हो? हाँ जी हाँ जी। वाह बहुत ही प्यारा सेटअप है, आप देखियो पूरा, इसके ऊपर टायर लगे हुए हैं तो इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो लंच टाइम अभी शुरू ही हो रहा है तो पूरा उसके लिए सरदार जी तैयारी करके रखते हैं पहले से ही। वाह, अच्छा लस्सी वगैरह भी होती है आपके पास? हाँ जी लस्सी भी होती है। वाह बहुत ही बढ़िया यार, तो बढ़िया से लस्सी भी ले सकते हो आप यहाँ पर और बढ़िया सा खाना भी इंजॉय कर सकते हो। वाह, तो सरदार जी क्या कहते हैं कितना टाइम हो गया हमें इस काम में? इसमें 6 महीने हो गए जी मेरे को। 6 महीने हो। तो कैसे सोचा कि ऐसा कॉन्सेप्ट लाते हैं हम या इस काम को शुरू करते हैं, कैसे सोचा आपने? पहले मैंने सुरजा में काम करना था, उसके लिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लेके आया था, स्कूटरी के ऊपर, जुपिटर के ऊपर लेके आया था। अच्छा। उस पर काम करता था मैं। ठीक है जी। तो फिर भगवान ने सुन लिया, अच्छा हुआ बस। अच्छा, थोड़ा मैंने फिर ये सेटअप बड़ा कर लिया। इसको बड़ा सेटअप करने को 15 दिन हुए मेरे को। अच्छा 15 दिन? 15 दिन हुए। तो कैसा रिस्पॉन्स है? बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। तो प्राइसेस क्या, कीमत क्या क्या रखी हुई है आपने? प्राइस जी कड़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल है वो 40 रुपए की प्लेट है। अच्छा, अगर वो दाल के साथ लेगा, दाल मखनी के साथ चावल लेगा वो 50 रुपए प्लेट है। चावल और मटर पनीर के साथ लेगा तो वो 60 रुपए प्लेट है। अच्छा, और थाली अपनी कितने की? थाली 50 रुपए की है जी, कड़ी, राजमा और वाइट चने। अच्छा 50 रुपए की प्लेट है, 4 चपाती होती है, दाल मखनी 50 रुपए की थाली। हाँ जी हाँ जी। वाह यार, जो दाल मखनी है वो 60 रुपए की प्लेट है जी, उसमें बटर चाहे मूल का होता है हमारे पास या वीरका का होता है वो डालते हैं। अच्छा ऊपर से मक्खन भी और डाल के देते हैं। हाँ जी। वाह यार बहुत ही बढ़िया है यार, क्या शानदार सेटअप है, बहुत ही सफाई से बनाते हैं और बहुत ही सफाई से खिलाते हैं। अच्छा और आपकी यहाँ पे टाइमिंग क्या आने की? जैसे मेरी टाइमिंग 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। अच्छा किसी दिन कोई छुट्टी? छुट्टी संडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी। बहुत ही सरदार जी की दुकान का नाम है जी चढ़ती कला फूड पॉइंट। वाह, तो देखिए जी बहुत ही प्यारा, देखिए आप एक्टिवा के पीछे सरदार जी ने अपना ढाबा बांधा हुआ है और ऐसे ही लेकर आते हैं, इसको शाम को ले जाते हैं घर में वापस। देखिए जी यहाँ पर थाली भी लग रही है, आपको दिखाते हैं। ये कितने वाली थाली लगा रहे हो सरदार जी? ये 50 रुपए वाली है जी। 50 वाली? हाँ जी हाँ जी। इसके भी देखिए सबसे पहले बढ़िया था चला गया जी इनके प्याज, साथ में इनकी चटनी घर की बनी हुई, और सब कुछ तैयार आप खुद ही करते हो? सारा खुद ही करते हो। वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया यार। तो ये देखिए ये जा रहे हैं जी इनके बढ़िया से ग्रेवी वाले चित्रा राजमा। वाह जी वाह, शानदार राजमा, ये बढ़िया से मसालेदार और ग्रेवी वाले हैं।
और तवा रोटी रहती है घर से बना, तवा रोटी होती है मेरी घर से बना के आती है। और ये आ गई जी बढ़िया से गर्मा गर्म तवा रोटी, एकदम बढ़िया से यार गर्मा गर्म रोटी आ गई चलेगी। और ये बढ़िया से थाली होगी जी तैयार। अच्छा और लोकेशन कैसे था जी जहाँ पे हम खड़े हैं? लोकेशन है ढोलेवाल के पास है, दादा मोटर के ऑपोजिट है। ढोलेवाल के पास दादा मोटर, दादा मोटर के ऑपोजिट। हाँ जी, तो बिल्कुल सामने आपको देखो जी टाटा मोटर्स है और बिल्कुल सामने आपको महिंद्रा की दादा मोटर्स दिख जाएगी। उसके बाहर ही है जी पूरा बढ़िया सा सेटअप जहाँ पर हमारे सिद्धार्थ जी बैठते हैं जी। बढ़िया सा खाना चढ़ दिगला फूड पॉइंट के नाम से है जी। वाह, तो देखिए जी सब्जी आप रिफिल भी करा सकते हो, कोई मना नहीं है। हाँ जी, एक दो बार इतनी मर्जी रिफिल। हाँ जी, हाँ जी, खाने के लिए मांग रहा है बंदा, खाने के लिए मांग रहे मना नहीं करते जी जी। ये तो है यार, देखिए जी लग रहे हैं नॉन स्टॉप ऑर्डर एक के बाद एक। वाह जी वाह। और ये लग रही है जी मटर पनीर वाली थाली, आपको इधर से दिखाते हैं जी। ये है जी इनकी मटर पनीर वाली थाली, इसके भी चले गए जी फिर से सैलड बढ़िया से। वाह, और साथ में जा रही है जी इनकी चटनी, तो ये जा रहा है, इसके भी रायता है, इसके भी रायता भी जाता है। हाँ जी हाँ जी। वाह, से जा रहा है जी बढ़िया सा सरदार जी का ग्रेवी वाला यार, थिक ग्रेवी वाला मटर पनीर। और 80 रुपये की थाली है जी, इसके भी आपको रायता चटनी सलाद पनीर और साथ में रोटी चावल कुछ भी ले सकते हो आप। और ये बढ़िया से थाली होगी जी तैयार और वहाँ से जा रही है जी। कैसा लग रहा है जी? बढ़िया। क्या खा रहे हो आप? अच्छा, कैसा स्वाद? बढ़िया, घर जैसा स्वाद है। वाह जी वाह। ये लग रही है जी हमारी बढ़िया से स्पेशल थाली जी। अच्छा, तो कस्टमाइज हो जाती है जो कस्टमाइज हो जाती है। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले बढ़िया से साफ करते हैं जी थाली, और फिर इसके भी जा रही है जी वैरायटी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसके भी जा रहे हैं जी रायता, सरदार जी का रायता बूंदी वाला बढ़िया से ठंडा ठंडा। वाह जी वाह। और इसके बाद फिर जा रहे हैं जी इसके भी जिनकी पनीर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी भी देखिए आप एकदम थिक है। इसमें क्या काजू मगज भी यूज करते हो? ये काजू मगज तो भी गाढ़ी हो जाती है। वाह, तो देखने से समझ लग जाएगी आपको कि काफी थिक दे रही है जी, काजू मगज का इसमें यूज करा जाता है। और साथ में जा रही है जी इनकी वहाँ से दाल मखनी, दाल मखनी। और भैया आगे जी इनकी बढ़िया से दाल मखनी। वाह जी वाह, क्या खुशबू है यार दाल मखनी की, बढ़िया से आपको मुझे इसमें तड़का भी दिख रहा है। वाह जी वाह। साथ आएगा अमूल बटर। वाह, तो देखिए जी साथ में अमूल बटर भी दे रहे हैं आपको, ब्रांडेड चीज़ है। और साथ में अभी जी एक रोटी साथ में, और साथ में हम डलवा लेते हैं जी थोड़े से राइस, और बढ़िया सा प्लेटर हो गया तैयार। अच्छा, अगर किसी ने ये वाली थाली लेनी हो उसकी क्या कीमत लगेगी? ये सर आपको लगेगी अगर दो चपाती के साथ पुलाव लेगा तो 80 रुपये की लगेगी। अच्छा। अगर बटर साथ में लेगा वो 90 की हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो जो जो चीज़ आप ऐड ऑन कराते रहोगे उसके हिसाब से पैसे लगते रहेंगे। और ये बढ़िया सी थाली होगी जी हमारी बढ़िया से तैयार, आइए करते हैं जी टेस्ट। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। 2 महीने हो रहा है। अच्छा, 2 महीने से खा रहे हो आप? मेरा मार्केट का काम है, मैं डेली खाऊंगा। अच्छा, वाह जी वाह। तो ये हमारी लग गई जी बढ़िया से सरदार जी की थाली, और मैंने दिखाया जी सरदार जी ने एक्टिवा के पीछे ही अपना चलता फिरता ढाबा बनाया है, बहुत ही बढ़िया। और बहुत ही बढ़िया सफाई से बनाते हैं खाना, और काफ़ी बढ़िया यार इनके पास सब्जियाँ मिलती है घर की बनी हुई ताज़ा। तो हमने भी लगवा ली अपनी बढ़िया से थाली। आपको जा रही है मटर पनीर की सब्जी, और इसमें काजू मगज की यूज़ करते हैं। तभी देखिए आप ग्रेवी एकदम थिक है, शाही पनीर जैसी ग्रेवी है। साथ में है जी इनकी दाल मखनी बढ़िया से घर की बनी हुई, साथ में रायता चावल बटर अमूल का बटर देते हैं यार सरदार जी, और साथ में रोटी। तो रोटी हमने कम ली है, आपको उससे ज़्यादा क्वान्टिटी मिलेगी। और काफ़ी अच्छे से बढ़िया सी थाली है, और 80 रुपये कीमत है यार इसकी अगर आप पनीर के साथ लेते हो। वैसे 50-60 रुपये कीमत है इस थाली की। तो आइए करते हैं जी टेस्टिंग। एकदम मुलायम रोटी है यार, तवा रोटी घर से ही बना के लाते हैं। सबसे पहले लेते हैं जी हम दाल मखनी के साथ, ये है जी बाइट। यार काफ़ी बढ़िया दाल मखनी है, अच्छे से इसमें आपको तड़का फील होगा प्याज टमाटर का, और थोड़ी स्पाइसी टच में है। जैसे दाल मखनी कभी कभी थोड़ी मीठी टच में होती है ना, क्रीमी होती है, वैसी नहीं है, स्पाइसी वाली ढाबा से दाल मखनी है यार ये। तो एक बाइट लेते हैं जी हम अपनी पनीर के साथ। दाल मखनी तो मुझे बहुत ही स्वाद लगी यार। आइए पनीर मटर देखते हैं, मटर पनीर कैसा टेस्ट करता है। ये है जी बाइट हमारी मटर पनीर की। यार एकदम ऐसा लगेगा आपको ढाबा स्टाइल खाना खा रहे हो, और पर वो भी घर का बना हुआ है यार, मतलब ज़्यादा ओवर स्पाइसेस भी नहीं है, और एकदम चटपटा मसालेदार खाना है यार। दोनों सब्जियाँ मुझे 10/10 लगी, कोई कमी भी नहीं लगी मुझे। पनीर की ग्रेवी एकदम बढ़िया बैलेंस मसाले हैं इसमें, कसूरी मेथी भी दिख जाएगी आपको, और इसमें डेरी पनीर यूज़ करते हैं, मटर यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छे से कुक करी हुई है यार। एक बार लेते हैं हम रायते की, फिर आपको दिखाते हैं जी राइस। बहुत ही बढ़िया यार,
ठंडा रायता बूंदी वाला। अगर आप लस्सी लेना चाहते हो तो इनके पास लस्सी भी होती है, 10 रुपये गिलास है लस्सी का, बढ़िया से लस्सी पी सकते हो आप। एक बार लेते हैं हम अपनी राइस के साथ, और राइस में भी देखोगे ना वो बढ़िया से इन्होंने जीरा डाला हुआ है, बासमती राइस है, साथ में वेजिटेबल भी डालते हैं, आपको गाजर भी दिख जाएगी इसमें। तो लेते हैं जी एक बाइट हमारी राइस की। यार मतलब यार ये ऐसा खाना है ना कि आप रोज़ खाओगे ना तो भी बोर नहीं होगे, और ना आपको ये बीमार करेगा या तंग करेगा, क्योंकि घर का बना हुआ खाना है, साफ़ सुथरा खाना है, दादाजी बहुत सफाई से बनाते हैं और काफ़ी पसंद है यार लोगों का। पीछे देख ही सकते हो अभी लंच टाइम शुरू हुआ है, लोग बढ़िया से इनका खाना खाने आ रहे हैं। तो आप भी बढ़िया से थाली इंजॉय करना चाहते हो, कड़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल, छोले कुलचे, कुछ भी खाना चाहते हो ना, तो आप आ सकते हैं सरदार जी के पास। हम इस टाइम खड़े हुए हैं ढोले वाल चौक महिंद्रा दादा मोटर के बिल्कुल सामने ही लगाते हैं हमारे सरदार जी, चढ़ती कला फूड पॉइंट के नाम से। तो आइए खाइए बढ़िया सा खाना, एंजॉय करिए। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको इनका खाना कैसा लगा, और कोई और वीडियो देखनी हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। तब तक मिलता हूँ आपको, बाय, थैंक यू।